साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन, हालांकि आजकल मलेशिया के कमेंट आने कम हो गए क्योंकि सबको पता है सेम सेम है तो कमेंट बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो सही आते हैं तो मैं उनको कुछ कमेंट अलग से करके उनको आंसर देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो ये साथियों अपन आज शुरुआत करते हैं। एक भाई ने अपने को पूछा है, साजिद शेख बोलते हैं कौन कौन सी वजह से इंसान विदेश में ब्लैक लिस्ट हो जाता है। भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप ओवरस्टे, अगर आप ओवरस्टे हो जाते हो, स्पेशल पास नहीं लगाते हो तो आप 100% ब्लैक लिस्ट हो जाते हो। दूसरी बात, कुछ ऐसा काम अगर आप कर लेते हो जो कानूनन बिल्कुल गलत है या बहुत ही बड़ा ब्लैक मतलब अपराध की श्रेणी में आता है तो कंपनी या आपको ब्लैक लिस्ट कर देती है, वहाँ की गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट करके आपको इंडिया भेज देती है। बाकी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं अलग से वीडियो इस पर बनाऊँगा तो उसमें आपको बताएंगे। आगे एक भाई बोलते हैं, राजकुमार जी बोलते हैं, सर मैं मलेशिया वीज़ा कैसे चेक करें, वीडियो बनाओ, मेरा ऑनलाइन वीज़ा आ गया चेक करने के लिए क्या। भैया देखिए मलेशिया का वीज़ा वेरी सिंपल है यार। मलेशिया की देखो अलग अलग वीज़ा की अलग अलग कैटेगरी है, सबका अलग अलग वेबसाइट होती है। अब आपका कौन सा वीज़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें दिक्कत ये है आपका जो वीज़ा है उसको ई सर्विस इमिग्रेशन लगा लीजिए। ई सर्विस इमिग्रेशन लगाओगे आप गूगल पे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आएगी, तो उसमें से आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। आगे एक भाई बोलते हैं सतनाम सिंह, अगर नकली परमिट लगा हो तो फिर क्या करें सर जी, पासपोर्ट पे नकली स्टिकर लगा है 150 रिंगिट का, प्लीज़ क्या। भैया देखिए नकली स्टिकर लगा है तो उसमें दोषी जो लगाया वो तो है ही है, उसमें आप भी शामिल हो क्योंकि कल को इमिग्रेशन ने चेक कर लिया तो उसमें 420 आपकी भी होगी कि आपने नकली स्टिकर क्यों लगाया। तो उसका समाधान यही है कि आप अपने तरीके से देखें बसें या फिर उस स्टिकर को निकाल दें, क्योंकि नकली स्टिकर है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उसको आराम से निकाल सकते हो, उसकी जगह आप ओरिजिनल स्टिकर लगा सकते हो। जो धोखाधड़ी हो गई वो तो भुगतो, बाकी ध्यान रहें, सतर्क रहे भैया आप, ठीक है। अनिल भारद्वाज बोलते हैं, सर भारत के लोग किसी भी विदेश में अपनी एम्बेसी से कैसे संपर्क करें, कर पे इस पर वीडियो बनाइए। देखिए भैया भारत के लोग अपनी जिस कंट्री में भी जाते हैं वेरी सिंपल है यार, एम्बेसी होती है, उनके एड्रेस आजकल सबके पास हैं, गूगल पे पड़े हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। उसका टाइम टेबल लिखा होता है कितने बजे से कितने बजे तक, कितने दिन की छुट्टी होती है, और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होता है, तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं आराम से। बाकायदा एड्रेस आपको हर कंट्री का अलग अलग मिल जाएगा, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा। नजरिया बोलते हैं, सर एल जी पेपर लेकर शिफ्ट जॉब के पे एजेंट बुलाते हैं, वहां जब लैंड करने लगते हैं तो स्थिति में वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर आप मलेशिया की बात करते हो तो अगर आप वहां से विजिट में जाते हो वहां पे वर्क परमिट लेने की सोचते हो तो नहीं मिलता, बाकी इतना आसान किसी कंट्री का नहीं मिलता, तो इस चीज का ध्यान रखिए अगर कोई ऐसा बोलता है तो बिल्कुल सतर्क रहें। रविंद्र यादव बोलते हैं, सर एम्बेसी हमेशा खुला रहता है। बिल्कुल एम्बेसी हमेशा खुला रहता है, गवर्नमेंट छुट्टी के अलावा कभी भी जाओ आपको खुला मिल जाएगा। विजय बनवार बोलते हैं, सर मलेशिया DP-10 वीज़ा के लिए बैकग्राउंड क्या चाहिए, मीन्स प्रॉपर्टी शो क्या करना पड़ता है। भैया मलेशिया का DP-10 वीज़ा के लिए कोई प्रॉपर्टी शो करने की ज़रूरत नहीं है, यूरोप कंट्री नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी अगर कोई डिग्री है, कोई जितने पढ़े लिखे हो वो डॉक्यूमेंट लगवाइए, पासपोर्ट फोटो स्कैन करके फाइल बना के आप लगा दीजिए, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उस्मान मलिक बोलते हैं, सर मलेशिया में पैकिंग जॉब के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है क्या। भैया मलेशिया में पैकिंग जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेबर कैटेगरी का काम है, लेबर में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ट्रेड में पड़ती है, इसमें तो क्या है ये बॉक्से हैं फलाना, ये जो भी काम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह उनको जो सामान बनता है उसको अलग अलग करना, डिब्बों में पैक करना, बस ये काम है, तो उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एक घंटे में आदमी सीख जाता है। एक भाई बोलते हैं, सर मलेशिया में पहली बार आया था तो मैंने एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गया था, फिर एजेंट ने दोबारा से एक महीने के बाद भेजा और मुझे सेटिंग से बाहर निकाला एयरपोर्ट से, लेकिन मुझे अब 10 महीने हो गए हैं, मैं अगर इंडिया एम्बेसी जाता हूं तो स्पेशल पास लगाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। भैया हालांकि ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए था क्योंकि सेम क्वेश्चन है। भैया आप अगर जाते हो तो अगर 6 महीने के बाद 2100 रिंगिट आपका अभी फिलहाल जो चल रहा है, लोग बताते हैं एम्बेसी के जो सिस्टम चल रहा है इमिग्रेशन से, उसका 2100 प्लस आपका खर्चा, ये मान के चलिए कि इंडिया आते आते आपको 3000 रिंगिट चाहिएंगे, ठीक है एक नंबर में, क्योंकि आउट पास बंद है, स्पेशल पास का यही है, वो भी बड़े मुश्किल से लगते हैं, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप समझते हो। अपना नजरिया फिर एक उनका क्वेश्चन आ गया, सर मलेशिया में बहुत सारे लड़के शिप जॉब के लिए एलजी वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ शिप पे जॉब नहीं मिलता, तब ऐसी हालात में लड़के कैफे में या किसी फैक्ट्री मजदूरी करते हैं तो क्या वर्क परमिट लगवा सकते हैं। भैया देखिए बात वही है, वर्क परमिट बहुत कम लगता है, लगता नहीं है क्योंकि मलेशिया एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है। अगर अपना कोई आदमी वहाँ पे है जिस पे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं,
वो कोई अगर उनकी इमिग्रेशन में सेटिंग होती है या वो उनका ऐसा कोई काम करता है तो उसके थ्रू अपन कोई डॉक्यूमेंट अगर लगवा लिए तो लगवा लिए, बाकी ऐसा नहीं कि आँख बंद करके किसी एजेंट को दे दिए और वो अपना डॉक्यूमेंट लगवा देगा, इम्पॉसिबल। तो थोड़ा ध्यान रखें, किसी को पैसा न दें, पैसा दें तो जिम्मेदारी के साथ दें, कल को अगर परमिट नहीं लगे तो पैसा अपना रिटर्न आ सके। तो साथियों, ये आपके मलेशिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर रोज आने वाले समय पर ऐसी टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।